गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम बात कर लेते हैं हुक लेंथ के बारे में अप बार के बारे में और टू लेग या फोर लेग हमारा जो स्टप्स देते हैं उसमें हमारा छल्ले का टू लेग रहेगा फोर लेग रहेगा सिक्स लेग रहेगा रहे उसके बारे में बात कर लेते हैं इस वीडियो से हम बार बेंडिंग शेड्यूल को हम देखेंगे कि किस तरीके से बार बेंडिंग शेड्यूल में हमारा कटिंग लेंथ कितनी रहेगी जो स्टील की हमारी कटिंग लेंथ कितनी रहेगी कितने का हुक प्रोवाइड करें कितने एंगल पर हुक प्रोवाइड करें ठीक है एच वाई एच डी में हमारा हुक दिया जाता है या नहीं दिया जाता माइल्ड स्टील में कितने का दिया जाता है उन चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे ठीक है और ध्यान रखना जब हम साइड पर जाते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है जब एक कहते हैं न जो बारबेंडर होता है वो तुमसे पूछा सर कितनी कटिंग रखें हम ठीक है इसमें हमारा चेयर कितने का रहेगा ठीक है हमारा एल बैंड कितने का रहेगा कितनी उसकी लेंथ रहेगी डेवलपमेंट लेंथ कितनी रहेगी ठीक है एंक्रेज लेंथ कितनी रहेगी तो उन चीजों के बारे में हमें समझना है ठीक है अब बात कर लेते हैं हुक एंड बैंड इन रेनफोर्समेंट। अब हमारे पास में फॉर एवरी फॉर एवरी बैंड्स एट 45 फाइव डिग्री फोर्टी डिग्री पर हमारा इंक्रीज हो जाता है फोर फाइव लेंथ ठीक है जैसे माइल्ड स्टील के लिए हमने बताया यहां पे हम ये मान के चल रहे हैं डाया ऑफ स्टील फोर फाइव हम मान के चल रहे जैसे हमारा यहाँ पर नाइनटी डिग्री का एलिवेंट दिया है हमने ठीक है एलिंट दिया है तो इसमें हमने बोल, बोल दिया क्या पैतालीस और पैंतालीस तो दो बार पैंतालीस पैंतालीस जुड़ के हमारा क्या बना 90 आया तो इसी प्रकार हमारा एक 45 के लिए 45 लेते हैं तो दो 45 के लिए मतलब 90 के लिए कितना लेंगे 4D प्लस 4D ओके 4D प्लस 4D तो हमारा कितना रहेगा 8D कह दो या 85 कह दो 5 क्या है हमारा dia ऑफ बार ओके क्या है हमारा dia ऑफ बार ठीक है हमारा इसको कहते हैं L bend ठीक है L bend ओके इसके बाद में बात कर लेते हैं हमारा इसके बाद में हमारा आता है 145 ठीक है 135 सॉरी 135 अगर हम बाहर से देखें तो ये 135 ठीक है और अगर हम इधर से देखें तो हमारा 45 डिग्री इधर से ठीक है तो हम कंसीडर करते हैं इधर से तो हमारा यहाँ से लेके ये यहाँ से इस तरीके से मोड़ते हुए जो चले जाएं इसको बोलते हैं हुक इस तरीके से ये पूरा हुँ. ठीक है तो इसमें कितना रखते हैं सिक्स डी तो ऐसे मुड़ने के बाद में और जो मोड़ा जाता है वो कितना रखते हैं हम सिक्स डी तो कितना हो गया हमारा ये बारह डी ठीक है बारह डी या बारह फाइव ठीक है एंकरिंग लेंथ कितनी होगी हमारी बारह फाइव और डी क्या है हमारा डाया ऑफ या फिर फाइव बोल दो इसको फाइव क्या है हमारा स्टील का डाया है हमारा ठीक है इसके बाद में बात कर लेते हैं एक सौ अस्सी पर जब हम 180 पे मोड़ेंगे तो क्या होगा देखो कितना 45 और गुणा चार तो कितना आता है तुम्हारा 180 तो कितनी बार तो चार की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसमें तो फोर फाइव तो कितना हो जाएगा ये सिक्सटीन फाइव तो एंकरेज लेंथ कितनी रहेगी इसमें सोलह फाइव तो सोलह फाइव में क्या क्या होता है फोर फाइव हमारी ये जो हुक रहता है आगे की लेंथ रहती है और बारह फाइव ये पूरा जो हम मोड़ते हैं इसको सरिया को तो हमारा ये बारह फाइव ये रहती है ओके चार फाइ हमारी ये और बारह फाइ इस तरीके से तो 180 का अगर एंगल पर हुक दिया जाता है तो हमारी जो कटिंग लेंथ रहेगी जो हमारा हुक रहेगा हुक की लेंथ रहेगी एंकरेज लेंथ रहेगी वो रहेगी हमारी सोलह फाइव ठीक है तो ये माइल्ड स्टील के लिए है ठीक है एवरी पैंतालीस डिग्री पर कितना रहेगा फोर फाइव उसके बाद में अगर यहाँ पर नाइन्टी हो जाता है तो पैंतालीस बढ़ जाता है तो हमारा एट फाइव हो जाता है ठीक है पैंतालीस और बढ़ गया तो कितना हो गया एक सौ पैंतालीस तो ये हो गया ट्वेल्व फाइव फिर उसके बाद में पैंतालीस और बढ़ गया तो कितना हो गया एक तो इस पर आएगा हमारा सोलह फाइव ठीक है तो हमारे पास में इस तरीके से देख सकते हैं ठीक है सीधा ऐसे एलिवेन ठीक है 135 पर हुक दिया जाए तो हमारा बारह फाइव और 180 पर दिया जाए तो हमारा सोलह फाइव एक यहाँ पर नोट है एच वाई एच डी में हुक नहीं दिए जाते हैं ठीक है जब जो हमारी एच वाई एच टी स्टील होती है हाई हाई ईल्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार जो होती है उसमें हमारे हुक नहीं दिए जाते हुक इसलिए नहीं दिए जाते जब हम उसको मोड़ते हैं तो उसमें क्रैक या टूटने का हमारा खतरा ज़्यादा रहता है बट हम साइड पर जैसे हम बीम वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम एल बैंड दे देते दे दे हैं इस तरीके से बस एल बैंड देते हैं जब जब हमारा बीम का सिरा होता है कॉर्नर जो होता है उस पर हम एल बैंड दे देते दे हैं ठीक है उससे ज्यादा हम नहीं देते क्योंकि टूटने का हमारा खतरा रहता है, है या क्रैक पड़ जाएंगे उसमें स्टील में ओके तो एच वाई एच डी में हुक नहीं दिए जाते क्यों नहीं दिए जाते एक चीज और रहती है हमारा कि इसमें जो एच वाई एच डी होता है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो चालीस परसेंट उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है माइल्ड स्टील के कंपेरिजन में ठीक है चालीस परसेंट हमारी ज्यादा रहती है ठीक है अब बात कर लेते हैं हमारा लेंथ ऑफ वन हुक लेंथ ठीक है लेंथ ऑफ वन हुक ठीक है अब लेंथ ऑफ वन हुक निकालनी है हमारे पास में जैसे हमारे पास में ऐसे सरिया आ रहा है और इस तरीके से हमारे पास में एक एक हुक दिया गया है तो उसकी लेंथ कितनी रहेगी ठीक है हमने बताया था ये फोर फाइव कितना रहेगा ऐसे रहेगा इसके बाद में इसके कॉर्नर से ये वाली जो डिस्टेंस रहेगी ये रहेगी फोर फाइव ठीक है और ये हमारा फाइव तो देखो कितना बनेगा ठीक है फोर फाइव ये हमारा फोर फाइव ये और प्लस फाइव ये टोटल यहाँ तक तो कितना हो गया ठीक है कितना हो गया टोटल लगा के नाइन फाइव ठीक है एक हुक लेंथ का अगर इसको हम जैसे अगर हमारा इस तरीके से और आगे होता इस तरीके से ठीक है डबल हुक देते ऐसे इस तरीके से हम दे देते ठीक है तो इधर से भी हमारा कितना होता है ये हमारा फोर फाइव हो जाता ये फोर फाइव ठीक है ये फोर फाइव ठीक है ये कितना हो जाता हमारा एट फाइव ठीक है हुक लेंथ जो ये फोर फाइव सॉरी और ये हमारा फाइव है ठीक है तो कितना हो जाता फोर फाइव और फोर फाइव एट फाइव और ये फाइव तो कितना हो जाता नाइन फाइव ठीक है तो हुक लेंथ जो रहती है अगर इस केस में अगर हम हुक लेंथ की बात करें तो कितनी रहेगी हमारी आ, टोटल कितनी हो जाएगी नाइन फाइव और दोनों तरफ है तो दो गुणा नाइन फाइव तो कितना हो जाएगा एट्टीन फाइव ठीक है आगे जब हम बार बेंडिंग शेड्यूल करेंगे तो इन सारी चीज़ों को भी आगे हम देखेंगे ठीक है अब बात कर लेते हैं बेंट ऑफ बार के बारे में ठीक है बैंट ऑफ बार कहाँ पर दिया जाता है और क्यों दिया जाता है बेंट अप बार हमारा बीम के केस में सिरे से जो इफेक्टिव लेंथ होती है वहाँ से हमारा एल वाई सेवन की दूरी पर दिया जाता है बेंट अप बार का जो हमारा मेनली पर्पज होता है वो हमारा सीयर फोर्स को रजिस्ट करने के लिए दिया जाता है ठीक है क्योंकि ये फ, आ, हमारा जो सीयर फोर्स होता है करीब फोर्टी फाइव डिग्री पर हमारा क्या रहता है ठीक है फोर्टी फाइव डिग्री पर हमारा सीयर फोर्स एक्ट करता है ओके ठीक है हाँ तो अप बार जो रहेगा हमारा ठीक है उसका हम लेंथ देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लेंथ लेते हैं ठीक है थीके? जैसे हमारा ये सरिया आया इधर से ठीक है ये सरिया आया और सरिया आने के बाद में ये फोर्टी फाइव डिग्री पर ठीक है फोर्टी ज़रूरी नहीं है कि फोर्टी फाइव पर ही करें हम ठीक है ठीक है ये 45 डिग्री पर ठीक है हमारा ये रहेगा थर्टी टू सिक्सटी डिग्री थर्टी टू सिक्सटी डिग्री हम कितना भी हम बेंट अप दे सकते हैं थर्टी से सिक्सटी तो हमने मान के चलना है फोर्टी फाइव पर ज़्यादातर हम एक आइडियल केस मान के चलते हैं कि फोर्टी फाइव डिग्री पर हम देते हैं ठीक है लेकिन हम थर्टी से सिक्सटी के बीच में कितने भी पर भी हम बेंट अप दे सकते हैं ठीक है तो हमारा ये माना हमने ये वाली जो लेंथ है हमारी जो इंक्लाइन लेंथ गई वो हमारी एल वन है ठीक है ये हमारी एल टू लेंथ है ठीक है और डी क्या है हमारा ये डेप्थ जितना हमने ये उठाया तो इसमें हमारा एडिशनल लेंथ निकालते हैं हम ठीक है एडिशनल लेंथ जो होगी हमारी एल वन माइनस एल टू ठीक है एल वन माइनस एल वन ये और एल टू ये दोनों का मतलब माइनस uh, कर दें हम दोनों का डिफरेंस कर दें तो हमारा एडिशनल लेंथ आ जाता है और एडिशनल लेंथ का हम प्रयोग कैसे करेंगे हम आगे जब बार बैंडिंग शेड्यूल बनाएंगे तो उसमें भी हम अच्छे से देखेंगे ठीक है अब इसको निकालना कैसे निकालते कैसे है अब देखो ये तो ये क्या हो गया ये हो गया लंब और ये आधार ठीक है तो ये परपेंडिकुलर ठीक है ये बेस हो गया तो क्या होगा d अपॉन n2 तो d अपॉन l2 बराबर tan थीटा के बराबर हो गया ऐसे ही d अपॉन l1 बराबर ये कि, कि, किसके बराबर हो जाएगा sin साँथी, थीटा sin थीटा के यहाँ से हम क्या निकाल देंगे l बराबर क्या होता है l1 l2 तो l1 l2 तो l1 के स्थान पर हम क्या रख देंगे d अपॉन sin थीटा और l2 के स्थान पर यहाँ से निकाल के d अपॉन tan थीटा अब हम अगर एंगल हम 45 लेके चल रहे ले हैं तो हम रख देते हैं d अपॉन साइन फोर्टी फाइव और माइनस के d अपॉन टेन फोर्टी फाइव तो d अपॉन साइन फोर्टी फाइव की वैल्यू होती है पॉइंट सेवन जीरो सेवन माइनस डी अपॉन वन तो ये आ गया हमारा जीरो पॉइंट फोर टू डी ठीक है थर्टी से सिक्सटी तक के बीच में हम ये निकाल देते हैं तो हमारा यहाँ पर इस केस में एडिशनल लेंथ जो हमारा फोर्टी फाइव के केस में कितना निकल के आई एल बराबर एल ए बराबर कितना निकल के आया हमारा जीरो पॉइंट फोर टू डी ठीक है इसका हम कैसे यूज करेंगे ये चीज़ को भी हम आगे देखेंगे ठीक है आगे हम इन चीज़ों को भी देखेंगे कि किस तरीके से हमारा पूरा जो बेंटअप दिया जाता है हमारा टोटल लेंथ यहां से यहां तक कितना होगा ठीक है कितना हमारा सरिया रहेगा वो चीज़ों को हम निकालने में हमारा एल ए का कैसे प्रयोग होगा ये चीज़ भी देखेंगे ठीक है ये हमारा क्या है कि हमारा कहाँ जहां सिरे से हम मोड़ना स्टार्ट करते हैं एल ए क्या है एडिशनल लेंथ जो है जिस सिरे से हम मोड़ना स्टार्ट करते हैं और जहां पर हमारा मोड़ खत्म हो जाता है ठीक है जहाँ तक एक सिरे से दूसरे सिरे जहाँ से हम मोड़ना स्टार्ट कर रहे हैं उस तक की लेंथ होती है एडिशनल लेंथ ठीक है तो उन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे ठीक है तो हमने अभी बात की हुक्के बारे में यहाँ पर माइल्ड स्टील के लिए हुक जो दे रहे हैं इस तरीके से फिर उसके बाद में लेंथ कैसे निकालते हैं वन हुक की उस तरीके से इसके बारे में फिर बैंटअप के बारे में बेंटअप की जो एले है एडिशनल लेंथ है उसको कैसे निकालेंगे इस चीज़ के बारे में अब बात कर लेते हैं जो हमारा स्टप्स रहता है वो किस तरीके से हम उसमें हुक प्रोवाइड करते हैं और किस तरीके से उनको वन लैख टू लैख थ्री लैख इस तरीके से बोला जाता है ठीक है अब हमारा क्या है इसमें ये देखिए इस तरीके से टी में टी में हमारा ये सरिया है सामने से आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है इसमें से हमने इस तरीके से ये क्या दे दिया हमने स्टब्स दे दिया ठीक है इसमें क्या है एक लेग है लेग का मतलब एक तरीके से एक टांग एक टांग है तो इसको क्या, क्या? बोल दिया तुमने सिंगल लेग स्टब्स ठीक है जो सिंगल लेग स्टब्स छल्ला ठीक है एक लेग का छल्ला अब देखो ऐसे ही बीम है ठीक है बीम में ये तुम्हारे पास में वार है ये ऊपर कंप्रेशन जोन में ये टेंशन जोन में हमने क्या किया इस तरीके ये स्टप दे दिया इस तरीके से कितने पर दे दिया हमने 180 पर इस तरीके से ये देते हुए ये हम इस तरीके से ये चले गए ओके ठीक okay? है तो इसको कह रहे हैं इसमें टांग कितनी है एक ईयरी और एक ईयरी तो कितना हमने बोल दिया टू लेग स्टप्स इसको टू लेग स्टप्स बोलते हैं इसी प्रकार हमारा इसमें हमारे पास में कितनी लेग है एक लेग दो लेग और तीन लेग चार लैख तो उसको हमने क्या बोला फोर लैख स्टब्स ठीक है इसमें हमने जो सरिया दिए एक यहाँ पर दी कॉर्नर पर एक ये सरिया एक ये सरिया हमारा इस तरीके से हमने इसको सरिया दे दी हमारी बीम में ठीक है या कॉलम में भी हो सकती है जैसे माना अगर हमारा ये कॉलम का सामने से क्रॉस सेक्शन होता तो हमने क्या किया एक कॉर्नर पर ये चार सरिया खड़ी कर दी और फिर ये बीच में भी सरिया कर दी खड़ी कर दी फिर इन चारों को बांधते हुए इस तरीके से हमने ठीक है ये हमने हुक प्रोवाइड कर दिए ये कितने वन वन थर्टी फाइव पर एंगल पर हमने ये प्रोवाइड कर दी और जो बीच की सरिया थी उनको भी हमने क्या दे दिया इस तरीके से स्टप्स उनमें भी दे दिए हमने इनको बांधने के लिए रोकने के लिए जो बीच की सरिया है जैसे आ, मेरे पास में दो सरिया मेरी ऐसे थी कॉलम में दो सरिया इधर और दो सरिया बीच में तो मैंने क्या किया चारों सरियों को ऐसे बांधते हुए छह सरियों को एक इस तरीके से यहाँ पर मैंने हुक दे दिया फिर उसके बाद में जो बीच में सरिया थी इन इन दोनों को मैंने इस तरीके से बाइंड करते हुए एक हुक यहाँ पर दे दिया तो कितनी लेग होगी एक दो तीन चार तो हमारा क्या हो गया फोर लैग ऐसे ही सिक्स लैग भी हो सकता है ठीक है जब हम कॉलम में या आ, बीम में इस तरीके से देख सकते हैं कि टू लैग फोर लैग इस तरीके से हमारा ये रह सकता है ओके <coughs> तो अब हमारा इसमें हमने क्या देखा है एक तो हमने ये देखा कि जो हुक लेंथ है वो कैसे रहती है हमारे माइली स्टील के, के केस में रहती है एच वाई एच डी में हम एलवेंट दे दे देते हैं ठीक है ज़्यादातर हम उसमें हुक प्रोवाइड नहीं करते फिर तो उसके बाद में हमने बेंटअप बार के बारे में देखा बेंट अप बार में हम हमारा जो एडिशनल लेंथ है वो कैसे निकालेंगे एल वन माइनस एल टू करके ये भी बताया यहाँ पर अगर हम एंगल चेंज करते जाएँ थर्टी रखें तो हमारा जो एडिशनल लेंथ है वो अलग निकल के आएगा सिक्सटी रखें दोनों की जगह पर तो अलग एडिशनल लेंथ निकल के आएगा फिर हमने ये देखा कि सिंगल लेग स्टप्स किसको बोला जाता है डबल लेग इसको किसको बोला जाता है फुल लेग किसको बोला जाता है क्योंकि ये आगे आने वाली चीज़ों में डिज़ाइन में भी इन चीज़ों का प्रयोग सुनने को मिलेगा तुम्हें ठीक है तो आगे देखते हैं बारबेंडिंग शेड्यूल में हम किस तरीके से कटिंग लेंथ निकालते हैं ठीक है और बार बेंडिंग शेड्यूल हम कैसे बनाते हैं जब हम जैसे सिंगली रैनफोर्स बीम जो डबली रैन फोर्स बीम जो हमने आर में ड्रॉइंग कराई थी तो उसमें भी हमें कटिंग लेंथ निकालनी पड़ेगी या फिर हमें साइड पर भी कटिंग लेंथ बतानी पड़ेगी इस्टीमेटिंग करेंगे तब भी हमें कटिंग लेंथ निकालनी पड़ेगी तो उन चीज़ों को निकालने से पहले हमें हुक और कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं उन चीज़ों के बारे में हमें जानना है ठीक है अभी आगे और देखते हैं कि कैसे हमारा किस किस तरीके से हम कटिंग लेंथ निकालते हैं ठीक है ओके